लाजवाब टेस्ट का एक ही नाम हल्दीराम। संपत्ति हड़पने के लिए जान से मारने की धमकी देकर फिरौती के लिए बंधक बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को रात लगभग 10 बजे के दौरान फरियादी भानेगांव जिला बालाघाट निवासी गौरव संतोष बेदरे का छोटा भाई और उसके 4 दोस्तों के साथ गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत सेलटेक्स कॉलोनी गोंदिया में एक कमरे में मारपीट की गई, जहां वे रह रहे थे, जिस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ फरियादी की रिपोर्ट पर भादवी की धारा 364, 386, 452, 442, 327, 323 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने तत्काल आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्त में लेने के निर्देश दिए, जिस पर स्थानीय अपराध शाखा के PI आवाड़ के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमों को आवश्यक निर्देश के साथ आरोपियों की तलाश में रवाना किया गया। 8 नवंबर को स्थानीय अपराध शाखा की टीम जब जांच में जुटी थी, तब गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि फरार आरोपी कपिल नगर नागपुर में है, जिन्हें LCB की टीम ने कुशलता से हिरासत में लिया। आरोपियों में छोटा गोंदिया निवासी प्रकाश टेमरे उम्र 28 वर्ष, धम्मदीप वासनिक उम्र 32 वर्ष, चंद्रशेखर उम्र 27 वर्ष, गगन भगत उम्र 24 वर्ष का समावेश है। आरोपियों से पूछताछ में अपना अपराध कबूल किया। LCB की टीम ने आरोपियों को गोंदिया लाकर गोंदिया ग्रामीण पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जांच थानेदार अजय भुसारी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक आसाराम चौहान कर रहे। आरोपियों को गोंदिया न्यायालय में पेश करने पर 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में सौंपा गया है।